النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت سے جھوم جھوم کر دل لگا کر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم پیچھے جو پروکتا ہیں وقتا ہیں وہ اپنی تقریر بند کریں تو میں اپنی تقریر کروں.
माशाल्लाह काफी देर से आप लोग जमे हुए हैं। यही तो बात है मेरे प्यारे, अहले मोहब्बत की यही तो निशानी है। और यही देखकर सबको परेशानी है। रात हो या दिन हो, दिन के 3 बजे चाहे रात के 3 बजे, बात नबी के जिक्र की हो तो आंखों की रोशनी और उसकी चमक कभी जाती नहीं, जगमगाती है। इस मोहब्बत और इश्क की चमक को देख के ही तो दुनिया परेशान है। माशाल्लाह वो हैरान है, पशेमान है, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह हम पर मेहरबान है। हजरात बहुत देर से आप लोग मदरसे के लिए, रिसाले के लिए, किताब के लिए, खानकाह के लिए आप लोगों से मदद मांगी जा रही थी, आप लोग उसमें शरीक थे। फिर बच्चों ने जो हदीए तशक्कुर पढ़ा मुख्तलिफ जुबानों में, वो आपने सुना। एक छोटे छोटे बच्चों ने एक नमाज का एक डेमो किया, डेमोंस्ट्रेशन, वो हसीन मंजर भी आपने अपनी आंखों से देखा। और कुछ देर पहले आपने कुछ हमारे इस हिदारे अल जामतुल अशरफिया इजारुल उलूम से जो दस्तार फजीलत लेकर बच्चे फारिग हुए, उनके सरों पर दस्तार को बनता हुआ देखा। और जो हुफाज, जो बच्चे जिन्होंने अपने सीनों में पूरा कुरान महफूज किया है रब के फजल से, उनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज बनते हुए अपनी आंखों से देखा। यह हसीन और पुरकैफ मंजर आप देखते रहे, प्रोग्राम होते रहे। अब इस फकीर को 3 बजे रात में मौका मिला है, कुछ देर मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए। चलिए थोड़ा माहौल बदलते हैं। एक नात मैं पढ़ता हूं और मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूं, आप मोहब्बत से सुन लें। चूंकि नात पाक चीज ही ऐसी है कि जब पढ़ी जाए तो मोहब्बत से पढ़ी जाए, जब सुनी जाए तो मोहब्बत से सुनी जाए। पढ़ता हूं एक नात पाक, मैं तो मोहब्बत से पढ़ रहा हूं, ये मैं आपसे कह रहा हूं। आप कितनी मोहब्बत से सुनेंगे वो मैं देखूंगा। आपकी मोहब्बतों के हवाले मैं नात की शक्ल में अपनी मोहब्बत और अकीदत को बारगाहे रिसालत में पेश कर रहा हूं। समाप्त हो गया। दरे नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, दरे नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, बहेगा मुझ पे करम का दरिया,
कभी इधर से कभी उधर से बहेगा मुझ पे करम का दरिया, कभी इधर से कभी उधर से दर नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से बहेगा मुझ पर करम का दरिया, कभी इधर से कभी उधर से। और हजरात, जो लोग मदीने शरीफ जा चुके हैं, जिन्हें ये सआदत हासिल है, वो ये जानते हैं कि जब वो बाबू सलाम से अंदर जाएंगे सरकार के रोजे पाक की तरफ, मुआजे पाक पर, तो जब यूं खड़े होंगे जन्नतुल बकी की तरफ रुख करके, तो उनके दाहिने हाथ की तरफ काबा होगा और बाएं हाथ की तरफ सरकार का रोजे पाक। तो आप तसव्वुर में सोचिए कि आप वहां खड़े हैं और ये शेर सुन रुखे जुनूबी रुखे शुमाली मैं हो के दोनों तरफ सवाली, रुखे जुनूबी रुखे शुमाली मैं हो के दोनों तरफ सवाली, मैं किनसे दिल की मुराद लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, मैं इनसे दिल की मुराद लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से दरे नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। अब हजरात देखिए, जब इश्क मोहब्बत इश्क बनता है और इश्क जब जुनून पर पहुंचता है, अपने कमाल को पहुंचता है, तो ये शेर सुनिए क्या होता है। करूंगा जब मैं तवाफे काबा, वो जब दिखाएंगे अपना जलवा, वो जब दिखाएंगे अपना जलवा, नबी का दीदार जो मैं करूंगा, कभी इधर से जो मैं करूंगा, कभी इधर से कभी उधर से दरे नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। अब ये शेर सुनिएगा। हबीबे दावर शफीए महशर, वो जब पिलाएंगे आबे कौसर, हबीबे दावर शफीए महशर, वो जब पिलाएंगे आबे कौसर, नबी के हाथों से जाम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, नबी के हाथों से जाम लूंगा, कभी इधर से
नबी को मैं चूम लूंगा कभी इधर से कभी उधर से। एक बार आओ जरा झूम के मोहब्बत से दर्द पाक पढ़ लो। हजरात अभी आपने जो मंजर देखा अपने माथे की आंखों से, मैं सबसे पहले जो बात कहने जा रहा हूं वो इन फारिगीन से जो अभी जिनके सरों पे दस्तार बंधी है, फिर हाफिजों से कहूंगा, फिर आपसे करूंगा। ये जो हमारे मदरसे से जिनके सरों पे दस्तार बांधी गई और जिनको सनद दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, ये दस्तार किस चीज की बांधी गई और ये सर्टिफिकेट इनको किस चीज का दिया जाएगा? मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, आपसे से कह रहा हूं, आप आलिम हो गए ये ना इसकी दस्तार है ना इसकी सनद है। ये सनद और दस्तार इस बात की दी गई है कि आपने मदरसा जामतुल अशरफिया इजहारुल उलूम में जो पढ़ा है, जो सिलेबस पढ़ा है, आपने उसे कंप्लीट कर लिया, ये उसकी दस्तार है, ये उसकी सनद है। उलमा बनना तो अभी बाकी है, इसलिए कि जैसे जैसे जो पढ़ा है आपने उसके मुताबिक जैसे जैसे आपकी जिंदगी होती जाएगी आप उलमा होते चले जाएंगे। अभी उलमा बनना बाकी है, सफर खत्म नहीं हुआ। आपने सिलेबस कंप्लीट किया है और कहीं कुरान और हदीस में ये लिखा हुआ कोई नहीं दिखा सकता, जिम्मेदार हजरत बैठे हुए हैं, कि उन्हें आलिम कहा जाए जिनके सरों पे दस्तार बांध दी गई हो, जिसे सनद दे दिया गया। ये दस्तार और सर्टिफिकेट आपको इस बात की दी गई है कि आपने अल जामतुल अशरफिया इजहारुल उलूम में जो सिलेबस है उस सिलेबस को आपने कंप्लीट कर लिया। दस्तार इस बात का ऐलान है और सनद इस बात की तस्दीक है। उलमा तो बनना बाकी है, सफर कंप्लीट नहीं हुआ, आप भी उस राह के मुसाफिर बनाए गए हैं। इसलिए कि रब उलमा किसे कहता है, नबी ने उलमा किसे कहा है, जिसे नबी ने उलमा कहा वही उलमा है, जिसे रब ने कहा वही उलमा है। रब साफ वाज़े तौर पे कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा हैं। तो अब जिस कदर तुम्हारे दिलों में खशियत इलाही पैदा होती जाएगी, तुम अपनी मंजिल, अपना सफर तकमील पूरा करते चले जाओगे। और जिस दिन तुम्हारे सीने खशियत इलाही से भर जाएंगे, तुम उलमा हो जाओगे। तो ये अभी सफर कंप्लीट नहीं है। मदरसे ने आपको उस राह का मुसाफिर बना दिया है। अब जो इल्म तुम्हें यहां मिला है उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को चलाओ, अपनी जिंदगी को सजाओ, अपनी जिंदगी को बनाओ। जैसे जैसे तुम अपनी जिंदगी को संवारते जाओगे, बनाते जाओगे,
खशियत इलाही तुम्हारे सीनों में आती जाएगी, तुम दीन और सुन्नत के मुखलिस खादिम बनते जाओगे, तुम उस सफ में जाकर खड़े हो जाओगे एक दिन जिसके बारे में रब कहता है कि उलमा वही हैं जिनके दिलों में सबसे ज्यादा रब की खशियत हो, खौफ हो। आप समझ गए? लोग कहते ना उलमा में झगड़ा होता है, उलमा में झगड़ा नहीं होता। उलमा कब झगड़ा करेंगे? ये जो झगड़ा होता है ना उस राह के मुसाफिर में जो अभी सफर में है वो झगड़ते हैं, जिन्होंने अभी अपना सफर कंप्लीट नहीं किया। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों बच्चों, तुम इस सफर में तन्हा नहीं हो। अपने अंदर अज़्म पैदा करो, इरादा पैदा करो, गौस ख्वाजा के साए करम में तुम्हारा सफर होगा, मखदूम पाक का फैजान तुम्हारे सरों पर होगा, हम शबीए गौस सकलैन आला हजरत शफी मियां की निगाह इल्तफात तुम पर होगी, हुजूर सरकारे कला की चश्मे करम तुम पर होगी, हुजूर शेख आजम की कलबी दुआएं तुम्हारे साथ होगी। औरों को ये सफर तय करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारे सरों पे जो फैजान है, अगर तुम उस फैजान के साए में अपने कदम बढ़ाते रहोगे और अपनी जिंदगी के सफर को वो इल्म जो तुमने इस आल जामतुल अशरफिया में हासिल किया है उस इल्म की रोशनी में तुम अपना सफर जारी रखोगे तो एक दिन तुम कामयाब कामरान हो ही जाओगे। तो मैं आपको आपका अगला निसाब दे रहा हूं, सिलेबस। एक सिलेबस आपने कंप्लीट किया है, अब दूसरा सिलेबस आपको जिंदगी में कंप्लीट करना है। इदारे ने आपको उस राह का मुसाफिर बना दिया, मंजिल का पता बता दिया, अब मंजिल तक पहुंचो और पहुंचकर दूसरों का भी हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाने वाले बन जाओ। एक बार अभी आपने ये हाफिज कुरान, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, अल्लाह अकबर, इन्होंने अपने सीने पर पूरा कुरान 30 पारे महफूज कर लिया। क्या फजल रब्बी है, खुदा की कसम। वही रब फरमाता है कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर उतार देता तो जलकर राख हो जाते। कितना करीम है रब की, वही कुरान एक छोटे से बच्चे के सीनों में उतर रहा है और उसके चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। कितने बाबरकत हो गए ये बच्चे, आपको पता है? आप कुरान को घरों के किसी ऊंचे हिस्से में रखते हो और उसे कभी ख्याल आया तो उसे चूमते हो, फिर वहां रख देते हो। वो घर के कोने में रखा हुआ कुरान रोज तुमसे ये फरियाद करता है कि मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूं, मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूं, फायदा क्या है कि रखे हुए जुजदान में हूं। ये खामोश जबान से रोज कुरान तुमसे फरियाद करता है, लेकिन तुम्हारी तवज्जो उस तरफ नहीं होती। तो वो कुरान जो हमारे घरों में किसी बुलंद मकाम पर रखा रहता है जुजदान में, एक कुरान वो है और एक कुरान ये है जो चलता फिरता कुरान है। ये रब का फर्ज है कि अल्लाह ने इनके सीनों पर कुरान को महफूज फरमाया और इसको हिफ्ज करना इनके लिए आसान बनाया। ये बड़े खुशनसीब हैं। खुशनसीब ये बच्चे ही नहीं है, खुशनसीब इनके मां बाप भी हैं। और सिर्फ मां बाप ही नहीं खुशनसीब है, जिस मोहल्ले में ये बच्चे रहते हैं उस मोहल्ले में रहने वाले खुशनसीब हैं, वो भी खुशनसीब है। मेरे प्यारे, ये जो आपने अभी बड़ी आसानियों से ये मंजर देखा, अगर आपका कोई बच्चा स्कूल और कॉलेज में होता और वहां से कोई बड़ी डिग्री लेकर आता तो पूरे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार खानदान रिलेटिव सबको आप बुलाकर एक दावत करते कि हमारा बच्चा आईटी इंजीनियर हो गया है।
आईएएस आईपीएस हो गया है, जज बन गया है, ऐलान करते, लेकिन हाफिज कुरान देखे सर पे दस्तार बांध दी गई, बात खत्म हो गई। कितने इजी वे में लिया आप, आपकी ये बेएतनाई, आपकी ये नाकदरी क्यों है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे राज क्या है? इसलिए कि आप जानते हैं कि हाफिज कुरान क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाएगा। लेकिन ये बेटा जो कॉलेज से निकल कर आया है, जज बना है, ये हमारे घरों का स्टेटस बुलंद कर देगा, लोग दुनिया मुझे कहेगी जज का बाप है ये, है ना? यही तो सोच है ना, यही सोच है ना। और आप प्रैक्टिकल भी ऐसा करते, दो बच्चे हैं आपके, एक स्कूल जाता है एक मदरसे आता है। जो बच्चा स्कूल जाता है, सुबह उठते हो उसके लिए टिफिन तैयार करते हो, ड्रेस पहनाते हो और उसे बस तक छोड़ के आते हो, उठने के लिए अलार्म लगाते हो, वो बच्चा कब स्कूल गया कब आया आप फिक्र रखते हो। लेकिन उसी घर से एक बच्चा हिफ्ज़ कुरान करने के लिए मदरसे आता है, आपको पता भी नहीं कि कब आया वो कब गया। ये प्रैक्टिकल है, क्यों? सिर्फ इसलिए नाकदरी की आपने कि हाफिज कुरान मुसल्ले पे खड़ा होकर सिर्फ नमाज ही तो पढ़ाएगा, वो हमारा स्टेटस क्या बनाएगा? लेकिन हमारा बच्चा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के जस्टिस बनेगा, जज बनेगा, उससे हमारा फैमिलियर स्टेटस बुलंद होगा। तो मेरे प्यारे, याद रखो, तुम जो स्कूल और कॉलेज में अपने बच्चों को भेजते हो, भेजते हो तो ये सब तमन्नाएं तुम्हारे दिलों में होती हैं कि पढ़ लिख कर ये जस्टिस बनेगा, बैंकर्स बनेगा, आईटी इंजीनियर बनेगा, सिविल इंजीनियर बनेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनेगा, हमारे घर का स्टेटस बुलंद होगा। ये सब तुम्हारी तमन्नाएं होती है ना, हैं? इन्हीं तमन्नाओं के सायों में अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हो। और जो हिफ्ज करने के लिए बच्चा मदरसे में आता है, उसकी फिक्र भी नहीं रखते। लेकिन मेरे प्यारे, तुम्हारी नाकदरी करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अल्लाह के कलाम के हाफिज हैं। हाफिज अल्लाह के कलाम की अजमत और उसकी बुलंदी कोई घटा नहीं सकता है। तुम्हारा बच्चा स्कूल कॉलेज जाता है तो तुम्हारी तमन्नाओं के साय में जाता है, लेकिन जब ये हिफ्ज करने के लिए बच्चा मदरसे आता है तो जानते हो इसके सरों पे फरिश्ते अपने परों का साया करते हैं। इसके सरों पर आसमानों से फरिश्ते उतर पड़ते हैं। एक बच्चा तुम्हारा कॉलेज जाता है तो तुम्हारी तमन्नाओं के साए में जाता है, एक बच्चा मदरसे में हिफ्ज करने आता है तो आसमानों से फरिश्ते उतर पड़ते हैं और अपने परों का साया उसके सरों पे कर देते हैं। वो फरिश्तों के परों के साए में मदरसा आता है। अब बताओ, तुम्हारी तमन्ना अफजल है कि फरिश्तों के परों का साया अफजल है? इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ माँ बाप खुश नसीब नहीं है, उस मोहल्ले के लोग भी खुश नसीब है। ये हाफिज कुरान ही है जिसकी वजह से तुम्हारे मोहल्ले में फरिश्तों का आना जाना हो गया। तुम समझते हो कि ये हाफिज कुरान नादार हैं, बहुत ही गरीब हैं, कमजोर हैं, और ये जो हमारा बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बना, जज बना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। आओ इसका फैसला करते हैं, करते हैं, आओ कर लो, चलो फैसला कर लेते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा ज्यादा पावरफुल है या मदरसे में कुरान का हाफिज ज्यादा पावरफुल है। एक हाफिज कुरान ज्यादा पावरफुल है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलने वाला तुम्हारा बच्चा जो जज है, जस्टिस है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट तक की बात मैं करता हूं, वो जस्टिस ज्यादा पावरफुल है। और फैसला करते हैं, और फैसला कहीं नहीं होगा, फैसला खुदा के घर में होगा। ले आओ सुप्रीम कोर्ट के उस चीफ जस्टिस को, खड़ा कर दो खुदा के घर में, और मैं लेके आता हूं इस हाफिज कुरान को,
इसे भी खड़ा कर देता हूं खुदा के घर में। तुम देखोगे कि अजान होगी, उसके बाद सफें दुरुस्त होंगी, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस पीछे खड़ा होगा और ये हाफिज कुरान उसके आगे खड़ा होगा। वो चीफ जस्टिस जो कोर्ट में बैठा हो अपने, तो उसके बगैर परमिशन के कोई आ नहीं सकता अंदर। अंदर चला जाए तो उसके बगैर इजाजत के बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई कोर्ट में उसकी बैठा हो तो बगैर इजाजत के खड़ा नहीं हो सकता, और खड़ा हो जाए तो बगैर इजाजत के बैठ नहीं सकता। ये प्रोटोकॉल है कोर्ट के जस्टिस का। लेकिन वही जस्टिस जब खुदा के घर में आता है तो हमारी आंखें देखती हैं कि वो नादार नजर आने वाला हाफिज कुरान उसके आगे खड़ा है। वो जस्टिस जिसके हुक्म पर लोग खड़े होते थे, बैठते थे, उस जस्टिस को हमारी आंखें देखती हैं कि वो इंतजार कर रहा है कि जब ये हाफिज कुरान हाथ उठाएगा तो हम हाथ उठाएंगे, जब ये झुकेगा तो हम झुकेंगे, जब ये सजदे में जाएगा तो हम सजदे में जाएंगे। ये है कुरान की अजमत, यह है कुरान की अजमत। और मेरे प्यारे, आप देखोगे जब सजदे में कुरान, सजदे में वो हाफिज कुरान होगा तो खुले हुआ मंजर अपनी आंखों से देख सकते हो कि जब सजदे में हाफिज कुरान होगा उसके पीछे खड़ा हुआ जस्टिस होगा, जस्टिस होगा उसके पीछे खड़ा, तो तुम देखोगे कि उस इमाम का पैर होगा और उस जस्टिस का झुका हुआ सर होगा। ये अजमत कुरान है मेरे प्यारे, इसे फरामोश नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि आज जरूरत सबसे ज्यादा इंसान को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, पूरी इंसानियत को, ग्लोबली सारे ह्यूमंस को, सारे इंसानों को जरूरत है अच्छे इंसान की। सिर्फ इंजीनियर की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजिशियन की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्जन की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है। दुनिया को एक साइंटिस्ट के साथ एक अच्छे इंसान की भी जरूरत है, दुनिया को एक डॉक्टर के साथ एक अच्छे इंसान की भी जरूरत है, दुनिया को एक सिविल इंजीनियर के साथ अच्छे इंसान की भी जरूरत है, दुनिया को एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के साथ अच्छे इंसान की भी जरूरत है। इसलिए अगर सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर है तो फिर मेरे प्यारे यही हाल होगा जो आज हो रहा है कि एक एक्सीडेंटल केस आया, जबरदस्त इंजरीज है, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स उसके डैमेज हो चुके हैं, सांस ले रहा है, वो तड़प रहा है स्ट्रेचर पर, लेकिन डॉक्टर ये कह रहा है कि पहले जाओ हॉस्पिटल की फीस भरो, रिसिप्ट लेकर आओ, तब मैं इसको हाथ लगाऊंगा। अगर वो डॉक्टर डॉक्टर के साथ अच्छा इंसान भी होता तो पहले उसके जान बचाने की कोशिश करता, फिर उसके बाद कहता कि जाओ फीस बनाओ। एक साइंटिस्ट साइंटिस्ट के साथ साथ अगर एक अच्छा इंसान भी होता तो मेरे प्यारे फिर ये बैठे हुए लोग दुनिया के साइंस के लेबोरेटरीज में, ये पेंटागन में, ये ऐसे तमाम इदारों में बैठे हुए साइंटिस्ट फिर ऐसे बम ना बना रहे होते जिसके मार देने से इंसानियत हलाक हो जाए, लाखों लाखों इंसान, कोटि कोटि इंसान एक ही झटके में खत्म हो जाए। अगर ये साइंटिस्ट साइंटिस्ट के साथ अच्छे इंसान भी होते तो इंसान को मारने के हथियार ना बना रहे होते, बल्कि इंसान को बचाने का सामान ढूंढ रहे होते। फिर ये ऐसे बम न बनाते जिससे लाखों करोड़ों इंसान एक साथ हलाक हो जाए, बल्कि ऐसे बम बनाते जिससे निकलने वाली गैस से लाखों इंसान जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है उस गैस से कैंसर के मरीज ठीक हो जाते। अगर ये साइंटिस्ट एक अच्छे इंसान होते तो इंसान को हलाक करने के लिए चीजें ना बनाते, बल्कि इंसान को बचाने के लिए चीजें बनाते। आज दुनिया को सिर्फ साइंटिस्टों की जरूरत नहीं है, दुनिया को एक अच्छे इंसान की भी जरूरत है। मेरे प्यारे, अब ये इंसान अच्छा बने कैसे, इंसान को अच्छा बनाने का कोर्स कहाँ है,
इंसान को अच्छा बनाने का सिलेबस कहाँ है? इंसान को अच्छा बनाने का चैप्टर कहाँ है? इंसान को अच्छा बनाने का दर्स कहाँ है? फिजिक्स की किताब उठा लो, वहाँ कोई चैप्टर नहीं है कि इंसान को इंसान कैसे बनाया जाए। केमिस्ट्री में इंसान को इंसान बनाने का कोई लेसन नहीं है। बॉटनी में इंसान को अच्छा इंसान बनाने का कोई लेसन नहीं है। अर्थमेटिक में इंसान को अच्छा इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। अलजेब्रा में इंसान को इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। ज्योमेट्री में इंसान को इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। सोशल साइंस में इंसान को इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। साइकोलॉजी में इंसान को इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। बॉटनी में इंसान को इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। जूलॉजी में इंसान को इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। दुनिया के किसी भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस और निसाब की किसी भी किताब में इंसान को अच्छा इंसान बनाने का कोई चैप्टर मौजूद नहीं है, कोई लेसन मौजूद नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, अगर इंसान को अच्छा इंसान बनाने का कहीं लेसन मौजूद है, कहीं चैप्टर मौजूद है, कहीं दर्स मौजूद है, तो कहीं और नहीं सिर्फ कुरान में है, नबी के फरमान में है। सारी दुनिया इस नेमत से महरूम है और मेरे प्यारे तुमको तो अल्लाह ने इसका अमीन बनाया है, अमीन बनाया है मेरे प्यारे कि दूसरों तक पहुंचाओ। लेकिन पहुंचाने से पहले खुद तो अपने अंदर लाओ। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ बनाओ, इंजीनियर बनाओ बनाओ, उनको साइंटिस्ट बनाओ बनाओ, जज बनाना चाहो बनाओ, जो चाहो बनाओ, लेकिन मेरे प्यारे उसके साथ साथ अच्छा इंसान भी बनाओ, अच्छा इंसान भी बनाओ। और अच्छा इंसान बनाने का दर्स, अच्छा इंसान बनाने का लेसन, अच्छा इंसान बनाने का उपदेश तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम में मिलेगा, नबी के फरमान में मिलेगा। इसलिए इन मदरसों में अपने बच्चों को भेजो। आज 60 साल ओनली 60 ईयर्स है, बात है पुरानी है, ज्यादा नहीं है, कि जिनेवा के अंदर, यूएनओ के अंदर सारी दुनिया के इंसानों ने इस बात के लिए प्रोटेस्ट किया कि इंसानों के राइट्स को सेफ किया जाए, उसे सिक्योरिटी दी जाए, ताकि कोई भी जालिम हुक्मरान अपने मुल्क में इंसानों पर जुल्म ना कर सके। अगर कोई जालिम हुक्मरान अपने मुल्क पर इंसानों के साथ जुल्म का बर्ताव करे तो यूएनओ के अंदर ये ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्शन ले और सारे मुल्क उस मुल्क के हुक्मरान पर दबाव डालें। इस बात के, इस बिल को पास कराने के लिए यूएनओ में एक जमाने से दुनिया का इंसान प्रोटेस्ट कर रहा था। 60 साल अभी ताजा बात है, जल्दी की बात है, 60 साल बाद, 60 साल पहले यूएनओ ने ह्यूमन राइट कमीशन के इस बिल को मंजूरी दी। आज सारी दुनिया में ह्यूमन राइट कमीशन है जो इंसानियत के हकूक के तहफ्फुज की बात करता है, हालांकि तहफ्फुज वो नहीं कर रहा है, बात ही कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे, इन 60 साल पहले ये यूएनओ ने इंसान को तहफ्फुज देने के लिए कानून बनाया है, लेकिन इस्लाम वो मजहब है, पैगंबर इस्लाम उज़ात का नाम है, जिन्होंने मदीने में मस्जिद नबी की चटाई पर बैठकर सारी दुनिया इंसानियत को पैगाम दिया था, क्या है लोगों, तुम आजाद नहीं हो, तुम अगर बेटे हो तो तुम्हारे बाप का तुम पर यह हक है, तुम अगर बेटे हो तो बाप का यह हक है, तुम अगर बाप हो तो बेटे का यह हक है, तुम अगर शौहर हो तो बीवी का यह हक है, तुम अगर बीवी हो तो शौहर का यह हक है, तुम अगर पड़ोसी हो तो दूसरे पड़ोसी का यह हक है। इस्लाम ने सिर्फ इंसानों के हकूक को ही सिक्योर नहीं किया, उसको तहफ्फुज नहीं दिया, उसको बचाने के लिए कानून नहीं बनाया, बल्कि इंसानों ने जानवरों के हकूक को भी सेफ किया है, हवाओं के हकूक को भी सेफ किया है, पहाड़ों के हकूक को भी सेफ किया है। कहा इस्लाम ने
कि अगर तुम भूखी बिल्ली को खाना खिला दोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाओगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, अगर पड़े हुए रास्ते में पत्थर को हटाओगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा। यूएनओ आज इंसानियत को सिकोड करने की बात कर रहा है। मेरे आका ने 1400 साल पहले सारी दुनिया इंसानियत को यह पैगाम दिया, सारी दुनिया इंसानियत के हकूक को तहफ्फुज दिया। तुम बेटे हो तुम्हारी हद ये है, तुम बाप हो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुम बीवी हो तुम्हारी सीमा ये है, तुम शौहर हो तुम्हारी जिम्मेदारियां ये है, तुम भाई हो बड़े भाई हो तुम्हारा राइट ये है, तुम छोटे भाई हो तुम्हारी ये वैल्यूज हैं। इस्लाम ने सबकी वैल्यूज को सिकोट किया है, इस्लाम ने सबके हकूक को सिकोट किया है। मेरे प्यारे, हम इस्लाम के फॉलोअर हैं। आप बताएं मुझे, कौन है दुनिया में जो मसीहाई करने वाला है? बताइए मुझे कौन है। राइट, ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है, कितने मुल्क बचा पड़े? इराक के अंदर मासूम बच्चियां तड़पती रही, कहा था ह्यूमन राइट कमीशन? फिलिस्तीन के अंदर इजरायली टैंक छोटे छोटे बच्चों को रौंदते रहे, कहा था ह्यूमन राइट कमीशन? सीरिया के अंदर न जाने कितने बारूद गिरा दिए गए, कितने इंसानों के घर उजाड़ दिए गए, कहा था ह्यूमन राइट कमीशन? मेरे प्यारे, लेकिन मेरे प्यारे आका ने कहा था कि देखो इनके हुकूक है, इनका तहफ्फुज करो। बाप से भी कहा था, बेटे से भी कहा था, भाई से भी कहा था, पड़ोसी से भी कहा था, शौहर से भी कहा था, बीवी से भी कहा था। सबके हुकूक को अगर मुतय्यन किया है, सिकोट किया है, तो इस्लाम ने किया है। मेरे प्यारे, हम उस इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, हम इस्लाम के बिलीवर्स हैं। लेकिन हादसा ये है कि जिस इस्लाम, जो इस्लाम इस रूए जमीन पर पूरी दुनिया इंसानियत के लिए नेमत बनकर आया, आज उसी इस्लाम के मानने वाले, उसी इस्लाम के फॉलोअर्स, उसी इस्लाम के बिलीवर्स खुद इस्लाम की कीमत का अंदाजा नहीं कर रहे हैं, खुद इस इस्लाम को अपनी जिंदगी में एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे, हम अगर एडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम अमीन कैसे बनेंगे? अमीन कैसे बनेंगे? इसलिए मैं कहूंगा कि बच्चों को मदरसों में कुरान जरूर पढ़ाओ, ताकि वो बच्चे जो तुम्हारे बच्चे हैं वो जाने कि बाप क्या होता है, बाप की इज्जत क्या होती है, बाप की अजमत क्या होती है। वो कुरान पढ़ेगा तो फिर ये कहेगा, कुरान की आयत उसके कानों में हमेशा ये दस्तक देती रहेगी, ये तेरा बाप है, उफ भी मत करना इससे, ऊंची आवाज में बात करने की बात तो छोड़ दे, ये कुरान ही तुम्हारे बच्चों को हिदायत देगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर मेरे प्यारे, बुढ़ापा बड़ी अजीब चीज है। वो बच्चा आज का, आज के माशरे का, जब तक बाप मालदार है, देने की कैपेबिलिटी रखता है, बच्चा सर झुका के सुनता है। जिस दिन वो खुद कफील हो जाता है, शादी कर लेता है, फिर बाप की कोई जरूरत बाकी नहीं रहती, तो उसको घर के बाहर कोई छोटा सा कमरा दे देता है कि अब्बा अंदर रहोगे तो हमारे घर में बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, रात में आपको खांसी आती है, किसी को नींद नहीं आती, आप बाहर सो, वो आपको चौकीदार बना देगा। लेकिन अगर उस बेटे को आपने कुरान पढ़ाया है, दीन सिखाया है, तो फिर वो बेटा अगर ऐसा करने की हिम्मत भी करेगा तो कुरान की वो आवाज उसके कान में आएगी, तू भूल गया कि यही बाप है जिसके सबब से तू दुनिया में आया है, और मेरा हुक्म था कि अपने बाप को उफ भी ना करना, तू आज अपने बाप को घर से बाहर कर रहा है, तो कुरान उसे रोकेगा। इसलिए कुरान को पढ़ाइए मेरे प्यारे, जरूर पढ़ाइए। ये मदरसा शफिया इजहार उलूम वालिद साहब ने बड़ी मोहब्बतों से, बड़े अच्छे फिक्र के साथ इसे कायम किया है, आप इसकी कदर कीजिए, इसकी कदर कीजिए। इंशाअल्लाह मौला ताला आज ये फकीर शफी रात किस हिस्से में आपसे कह रहा है, कह रहा है आज आपको अंदाजा नहीं है कि ये मदरसा अल जामतुल शफिया इजहारुल उलूम कितनी अजीम नेमत शेख आजम ने आपको दी है। लेकिन मैं रहूं न रहूं, याद रखना आने वाली नस्लें जरूर कहेंगी कि अजीम नेमत हमें देकर गए हैं, अजीम नेमत हमें देकर गए हैं। इसलिए आप खुश नसीब हो, आपके बाप खुश नसीब थे जो कब्रों में, इसलिए कि आप जैसी औलादें दुनिया में छोड़ गए जिनको बुजुर्गों की सोहबतें मिली, अपने बाप को याद भी करते हैं,
इसाले सवाब भी करते हैं, उनके लिए महफिलें भी करते हैं। आपके बाप खुशनसीब थे कि आप जैसी औलादें दुनिया में छोड़ गईं, लेकिन ऐ आज के बाप सुनो, तुम कब्र में जाने के बाद खुश नसीब रहोगे कि नहीं रहोगे, तुम्हारी औलादें भी तुम्हारी तरह तुम्हारे लिए साले सवाब करेंगी कि नहीं करेंगी, इसका इंतजाम इसी दुनिया में करके जाओ। अपने बच्चों से गाफिल मत हो, इन मदरसों में भेजो और उन्हें कुरान पढ़ना सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ। कुरान पढ़ेंगे तो फिर उन्हें हुकूक मालूम होंगे, कुरान पढ़ेंगे तो खशियत इलाही पैदा होगा, कुरान पढ़ेंगे तो वो इंसान सिर्फ इंजीनियर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी साथ में बनेगा, कुरान पढ़ेंगे तो वो इंसान डॉक्टर ही नहीं सिर्फ एक अच्छा इंसान भी बनेगा। इसकी दुनिया को बड़ी ज़रूरत है और हम तो अमीन बनाए गए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। ये इदारा आपका है, ये इदारा आपका है, इसे चलाना आपको है। और याद रखिए, ये इदारा अताए गरीब नवाज है। शेख आजम ने इसे कायम किया है तो उसमें उनके इरादे का कोई दखल नहीं था। मैं एक राज की बात आज आपको दे रहा हूं। शेख आजम ने यहां इदारा कायम किया, ये उनका इरादा नहीं था, ये गरीब नवाज से इशारा था कि मेरे हिंद के सुन्नी मुसलमान मुझे चाहने वाले, उनके अकायद को बचाने के लिए, चूंकि सैयद इजहार अशरफ उस शख्स का नाम था जो ख्वाजा के दीवाने थे, ऐ इजहार जाओ, बांग्लादेश में भी मेरे चाहने वाले गुलाम बहुत हैं, जाओ वहां एक मदरसे का कयाम अमल में लाओ ताकि मेरे चाहने वाले गुलामों की औलादें भी मेरी चाहने वाली बनी रहे। उनके अकीदे को तहफ्फुज दो, उन्हें इल्म देकर उनके अकीदे को बचाने की कोशिश करो। वाली साहब बेचैन हुए, हर साल आते थे, जमाने से आते थे, अचानक ही मदरसा बनाने का ख्याल कहां से आया, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन मैं उस राज को आज अफशा कर रहा हूं, इसलिए कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो फिर राज के इजहार करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन जब तक दुनिया में रहता है राज को राज रखना जरूरी होता है। आज वो नहीं है तो मैं ये राज आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ये सवाल खुद वालिद साहब से किया था कि इतने मदरसे हिंदुस्तान में हैं, उसको संभालते संभालते हम आप परेशान हैं, एक मदरसा और यहां। मैंने सवाल किया था, 400-500 मदरसे तो हिंदुस्तान में, उसको संभाल संभाल के परेशान है। मैंने कहा वालिद साहब से कि आप बीमार भी हैं और सारी जिम्मेदारी भाग भाग के 500 मदरसे वहां, एक मदरसा और बांग्लादेश में भी। कहा कि मैं नहीं खोल रहा हूं मदरसा, ये मेरे गरीब नवाज का इशारा है कि वो मदरसा है। आप समझिए, तो ये अताए गरीब नवाज है। वालिद मोहतरम ने, गरीब नवाज ने एक तरह से इशारा दिया तो उन्होंने यहां मदरसे को कयाम अमल में लाए। और सूफी मिजान रहमान साहब भी मौजूद हैं, उनसे सिर्फ एक ही टुकड़ा कहा था वालिद साहब ने कि मैंने अपने ख्वाजा से कहा है कि मुझे एक कोई आदमी दे दे जो मदरसा बनवा दे, लेकिन ये उनसे भी नहीं कहा कि इशारा भी उन्हीं का है, ये तो कहा कि मुझे एक आदमी की तलाश है। और मैंने गरीब नवाज से कहा है कि जब ये नहीं कहा कि आपका इशारा है तो आदमी भी दे दिए, ये आधी बात उन्होंने छुपाई चूंकि ये राजो न्यास की बात है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैंने गरीब नवाज की बारगाह में फरियाद की है कि आका मुझे सरकार एक ऐसा शख्स दे दीजिए जो जिससे मदरसे का अमल कयाम में आ जाए। सूफी मिजान रहमान साहब ये सुनकर, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, तड़प गए। वालिद साहब ने उनसे कहा कि हुजूर अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। हालांकि उनसे कहा नहीं कि आप बनाइए,
उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि मैंने गरीब नवाज की बारगाह में फरियाद की है कि मुझे कोई एक आदमी ऐसा दे दीजिए इस बांग्लादेश में जिससे मैं ये दीन का किला तैयार कर सकूं। सूफी मुजार रहमान साहब ने कहा, तड़प गए वो भी, कहने लगे फिर मैं तैयार हूँ। आज आपके सामने मदरसा है तो मेरे प्यारे इसे सरसरी तौर पर मत लीजिए। जितने भी सिलसिले अशरफिया के वाबस्तगान हैं वो इससे अपने आप को जोड़ना अपनी जिम्मेदारी समझें। ये बुजुर्गों का मिशन है, किसी का इदारा नहीं है। यहाँ से उलमा निकल रहे हैं, यहाँ से हुफाज निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह मौला ताला मेरा इरादा है आप यूं ही साथ लगे रहे, यूं ही साथ देते रहे, यूं ही साथ जुड़े रहे तो इंशाअल्लाह ताला इंटायर बांग्लादेश में, पूरे बांग्लादेश के गांव-गांव में हम ऐसे इदारे कायम करके हर सुन्नी मुसलमान के अकीदे के तहफ्फुज के लिए इंशाअल्लाह यहाँ से ऐसे मुजाहिद बनाकर निकालेंगे जो इलाके इलाके जाकर सुन्नी मुसलमानों के अकीदे का तहफ्फुज करेंगे। आप आए यहाँ, यह आपकी सआदत मंदी है। अल्लाह पाक इसकी बरकतें आपको अता फरमाएगा, बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूँ, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। अल्लाह की मदद करोगे, बंदा आजीज उस बेनियाज मालिक की मदद करेगा। लेकिन लफ्जी तर्जुमा तो ये इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, ये खुद रब फरमा रहा है। अगर वो ना फरमाता तो हम में से किसी की जरूरत भी ना होती, लेकिन वो खुद कह रहा है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें स्टेबल रखेगा, घटने नहीं देगा, तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। अब अल्लाह की मदद करने का मतलब क्या है मेरे प्यारे? अल्लाह की कोई मदद तो कर ही नहीं सकता कोई बंदा, उसकी मदद का हर बंदा मोहताज है, हम उसकी मदद क्या करेंगे? तो अल्लाह की मदद करने का मतलब यह है कि अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह के दीन की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और कभी घटने नहीं देगा। और अब आगे फरमाता है कान वादुल्लाह हक्का, ये जो मैं कह रहा हूं खुदा का वादा सच्चा है, कभी घटने नहीं देगा। तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, कभी घटने नहीं देगा।